आपकी कंपनी एप्लीकेशन बेस्ड है, आप अपने बिजनेस और सर्विसेज को बेचते हो एप्लीकेशन के थ्रू, तो गाइस आपकी कंपनी के लिए आपके एप्लीकेशन का इंस्टॉल होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके ऐप पे इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है, डाउनलोड्स नहीं आ रहे हैं, तो ना तो आपकी सेल्स ग्रो होगी, ना तो आपकी कंपनी ग्रो होगी। बट इंस्टॉलेशन लाए तो लाए कैसे, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि फेसबुक पे कैंपेन कैसे बना के आप अपने एप्लीकेशन पे इंस्टॉलेशन ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी पर इंस्टॉलेशन अप्रॉक्स 10 रुपए पड़ते हैं। ये सस्ता भी है और आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और आप खुद से इसको सीख के खुद से कैंपेन बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। गाइस अगर इस काम के लिए आप किसी एजेंसी के पास जाएंगे, किसी कंपनी के पास जाएंगे, तो 25 से 30 हजार रुपए चार्ज करेंगे आपका कैंपेन मैनेज करने के लिए। तो आपको किसी कंपनी के पास नहीं जाना है, आपको किसी एजेंसी के पास नहीं जाना है। आज बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको कि कैसे खुद से आप फेसबुक पे ऐप इंस्टॉलेशन का कैंपेन बना के क्रिएट कर सकते हैं, ऐड रन कर सकते हैं और अपने ऐप पे इंस्टॉलेशन ज्यादा से ज्यादा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, ये चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कैंपेन क्रिएट करके ऐड रन करके बताऊंगा। फेसबुक लॉगिन कर लीजिए। फेसबुक लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है मैनेज एड्स। मैनेज एड्स पे आपको क्लिक करना है। मैनेज एड्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकाउंट्स पे जाना है, जो आपका ऐड का अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंपेन यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट का प्लस ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे देख रहे हैं आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आ गया है। आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाला कैंपेन बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐप इंस्टॉल्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐप इंस्टॉल कैंपेन नेम है आपका, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड सेट नेम डालना होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, आपका जो ऐप है कहाँ पे है, गूगल पे, गूगल प्ले पे है, आईट्यून्स पे है, आईट्यून्स फॉर आईपैड, विंडो स्टोर में है, फेसबुक कैनवास में है, अमेजोन ऐप स्टोर है, इंस्टेंट गेम जो भी है, सपोज गूगल प्ले में है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके ऐप का जो यूआरएल होगा यहाँ पे उसको पेस्ट करना होगा। जैसे ये यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हूँ। आपका गूगल प्ले में जब इंस्टॉल करने का ऑप्शन है वही यूआरएल डालना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं id.com फेसबुक, तो जो भी है, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है कि मैं बताऊँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट कैटलॉग, ये छोड़ देना है हमको, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अब हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है। अगर आप का कोई ऑडियंस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वेबसाइट है यहाँ पे कस्टम ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट के सोर्सेस को यूज़ करना, अगर कोई कस्टमर की लिस्ट है तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐप एक्टिविटी, मतलब बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस में आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप नहीं करना चाहते, अगर कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है तो यहाँ पर इंडिया अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, किस कंट्री के इंस्टॉल, किस कंट्री में आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एज ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इसमें, तो एज ग्रुप आपको देख लेना होगा कि किस ग्रुप से लेके आप चाहते हैं, तो 18 से लेके, अब 40 तक कर दीजिए। ठीक है, जेंडर आप क्या, मतलब मेल डाउनलोड करें या फीमेल डाउनलोड करें या दोनों, तो इसको आप रहने देंगे यहाँ पे, और उसके बाद सेव द ऑडियंस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऑडियंस जो है सेव हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देना है कॉस्ट कंट्रोल, एवरेज कॉस्ट पर लिंक क्लिक। ठीक है,
तो मतलब जो आपका इंस्टॉल करने के लिए जो लिंक्स क्लिक है उस पर कितना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 10 रुपये पर क्लिक, ठीक है। ये डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है। सपोज आपके पास आप 5,000 चाहते हो स्पेंड करना लाइफ टाइम के लिए, तो आप 5,000 यहाँ पे पुट कर दोगे, तो 5,000 में मतलब आपको 214 क्लिक्स मिलेंगे। अब इसको आप क्लिक्स मान लो या इंस्टॉल मान लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे आप, यहाँ पे सिंगल इमेज यूज कर सकते हैं अगर कोई इमेज है आपका, या फिर यहाँ पे सिंगल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपका यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से ऐड दिखेगा आपका, इंस्टॉल नाउ, इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लीज इंस्टॉल दिस ऐप। दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो जो भी आपका मैटर होगा आप यहाँ पे लिख देंगे, एक मैसेज देंगे अपने आप अपने ऑडियंस को, ताकि उनके कुछ समझ में आए और वो इंस्टॉल करें आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अगर आप चाहते हैं आप अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना, और ये कॉल टू एक्शन इंस्टॉल नाउ ही पे ही रहने देना आप, ठीक है। यहाँ पे इमेज आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, कोई अच्छा सा इमेज आप ले सकते हो जो आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, उसका यूज आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, तो आप अपनी एप्लीकेशन के लिए आपको इमेज ले लोगे। ये देखो ऐप इंस्टॉल ऐड, आप अपने ऐप का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे किस लिए है आपका एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसको कर देंगे कन्फर्म, आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग यहाँ से कर सकते हैं, पिक्सल आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आप कर देंगे कंफर्म। ये आपका ऐड बनके रेडी हो गया, और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो गया। तो इतना ही टाइम लगता है अगर आप एक कैंपेन बनाते हैं ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। ये चला गया अंडर रिव्यू, अंडर रिव्यू जाने के बाद ये 1 से 2 घंटे में अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद रन हो जाएगा ये ऐड। अभी मुझे ऐड रन नहीं करना है तो मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको पॉज कर दिया। तो ये तरीका है कैंपेन बनाने का ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।